हाई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्टा गुरुजी एंड इंस्टा गुरुजी 2.0। आपको सभी को पता है कि हम लोग MSc की जो क्लासेस है उनको कंटिन्यू देखो लेकर चल रहे हैं, और उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं सिंटिलेटर्स की। कहते हैं कि सर सिंटिलेटर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सिंटिलेटर जो डिटेक्टर है उसको भी बड़े विस्तार से देखो पढ़ने जा रहे हैं। If you are watching my previous videos, then you might have already know that we have two channels here. One is Insta Guruji and second one is Insta Guruji 2.0. The second channel, Insta Guruji 2.0, is completely dedicated to MSc and BSc Physics. So you must subscribe that channel for your content videos. Okay? So let's start. What is scintillators? Scintillator आखिर है क्या? इस वीडियो के अंदर हम लोग scintillator के बारे में देखो क्या क्या जानने वाले हैं, इसकी बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे scintillator की definition क्या होती है, उसका principle क्या है, किस principle पर ये work करता है, उसके बाद इसके types क्या क्या होते हैं, कितने type के scintillator होते हैं, और फिर last में अपन बात करें practically हम लोग किस particle के लिए किस प्रकार के scintillator का use करते हैं, means जो scintillator का एक material होता है वो किस प्रकार का material हम लोग किस particle के लिए use करने जा रहे हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारे scintillator की definition से। So guys, let's talk about the definition of scintillators. So scintillator is basically a kind of material on which when an energetic particle incidents, then some kind of light emission is seen due to the energy transfer. This light emission we can call it luminescence. Okay, जिसको आपने BSc के अंदर भी पढ़ा था, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी हमने इसको देखा था। अब ये है क्या, इसको देखो थोड़ा समझते हैं, पहले एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ, फिर अपन इस डेफिनेशन को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। देखो सपोज दैट वी हैव सम काइंड ऑफ मटेरियल विच इज कॉल्ड सिंटिलेटर मटेरियल। ओके, सो वॉट हैपन्स वैन देर आर सम यू नो दिस मैटर इज मटेरियल इज मेड ऑफ एटम्स। सो एनी वन ऑफ यू नो दैट एनी मटेरियल हैज़ टू टाइप ऑफ बैंड्स। जब हम बैंड थ्योरी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बैंड दो तरह के होते हैं। जो नीचे वाला हमारा बैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका वैलेंस बैंड, और जो ऊपर वाला आपका बैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जनरली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब तक कि उनके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं आ जाती तब तक वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर नहीं कर पाते। अब देखो ये हमारा सिंटिलेटर मटेरियल है। अब इसके ऊपर मान लो कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल है, वो इस प्रकार से आके इंसिडेंट होता है। अब अगर मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल आकर यहाँ पर इंसिडेंट होगा तो आप सभी को पता है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा किसको, जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट पे जो आपका एटम है उसको। अब देखो जैसे ही इस एटम को एनर्जी मिलेगी तो जो एटम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपको इमिशन दर्शाएंगे और यहाँ से वो चले जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, यानी वैलेंस बैंड से उनका कंडक्शन बैंड के अंदर हो गया ट्रांसफर। अब जब इसने एनर्जी अपनी सारी दे दी, उसने अब्जॉर्व कर ली, अब क्या होगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन अपनी वापस से ग्राउंड स्टेट या फिर आप इसको कह सकते हो वैलेंस बैंड के अंदर आएगा, तब क्या होगा, यहाँ से एक एनर्जी का एमिशन होगा फोटोन की फॉर्म में। यानी व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स बैक टू इट्स वैलेंस बैंड फ्रॉम कंडक्शन बैंड, देन इट विल इमिट सम काइंड ऑफ एनर्जी इन फोटोन। तो ये जो फोटोन के फॉर्म में इसने एनर्जी को इमिट किया है, ये फोटोन के फॉर्म में जो एनर्जी है ये होगी लाइट इमिशन के फॉर्म में, और लाइट इमिशन को हम लोग जनरली इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो अब देखो इसको समझते हैं कि हुआ क्या, सिंटिलेटर आखिर है क्या। तो सिंटिलेटर देखो एक तरह का ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर जब कोई इंसिडेंट पार्टिकल आता है जो कि एनर्जेटिक इंसिडेंट पार्टिकल है, तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है वहाँ उपस्थित जो भी आपका एटम या मॉलिक्यूल है उसको। उससे होगा क्या कि वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, और जब वो वापस अपने वैलेंस बैंड के अंदर ट्रांसफर होते हैं तब यहाँ से एनर्जी का एमिशन होता है फोटोन की फॉर्म में, विजिबल लाइट की फॉर्म में आप कह सकते हैं उसको। तो ये जो लाइट इमिशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। तो ये जो इस टाइप के मटेरियल होते हैं जिसके अंदर ये घटना होती है, इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सिंटिलेटर, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिंटिलेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जब सिंटिलेटर डिटेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका जो प्रिंसिपल है वो काम करता है, यहाँ से फिर फोटो इलेक्ट्रॉन हम लोग जनरेट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए, फिर अपन उसको मल्टीप्लायर के थ्रू PMT जो ट्यूब होती है उसके अंदर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और देन हम उससे सिंटिलेटर डिटेक्टर को डिटेक्ट करके बताएंगे। तो ये था इसकी डेफिनेशन के बारे में, एक बार दोबारा देखो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। सिंटिलेटर इज बेसिकली काइंड ऑफ मटेरियल ऑन विच वैन एनर्जेटिक पार्टिकल इंसिडेंट्स देन सम काइंड ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिशन इज सीन ड्यू टू द एनर्जी ट्रांसफर। सो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से सिंटिलेटर का जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द सिंटिलेटर। सिंटिलेटर का प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सी बात है जो हमने अभी बेसिकली जो बात करी थी, बस वही बात इसके प्रिंसिपल में हमें देखो लिखनी होती है। द प्रिंसिपल ऑफ सिंटिलेटर इज बेस्ड अपॉन दैट व्हेन अ इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट इट इमिट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फ्लैश। यानी जब भी आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपके कंडक्शन बैंड से वापस से वैलेंस बैंड के अंदर आता है, मीन्स यू कैन से व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स बैक फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट टू इट्स ग्राउंड स्टेट इट इमिट्स सम काइंड ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फ्लैश
then this whole process is known as a scintillator or this device is called scintillator. Okay, तो basic से principle था. अब हमें देखो मोटा मोटे जो scintillator को लेकर प्रश्न पूछा आता है वो जो आता है इसके type को लेकर और किस प्रकार के scintillator का use हम लोग किस प्रकार के particle को detect करने के लिए करते हैं तो उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं. So guys, अब हम लोग बात करते हैं बहुत important जो आपसे exam में पूछा आता है वो है type of scintillator. ठीक है, तो scintillator के types क्या क्या होते हैं. तो basically हम लोग scintillator को तीन प्रकार से divide कर सकते हैं. First is organic scintillator, second is inorganic scintillator and third is gas scintillators. Okay, so organic and inorganic तो same वैसे जो आपने chemistry पढ़ी थी ना, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, organic chemistry and inorganic chemistry, same to same वही बात है. यानी ऐसे scintillator जिनके अंदर हम लोग scintillator जो medium है या scintillator जो material है उसको organic compound के form में हम लोग काम में लेते हैं तो वो उस type के जो scintillator होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं organic scintillators. Inorganic scintillators के अंदर कौन से scintillator आते हैं, भाई वो scintillator जिनके अंदर हम जिस material का use करें वो inorganic type का है. अब इनके अंदर जो अपन ऑर्गेनिक सिंटिलेटर को यूज़ करते हैं ना वो जनरली हम लोग प्योर लेते हैं. इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर के अंदर हम लोग को कंपाउंड लेना पड़ता है. ठीक है, और तीसरे टाइप जो होता है वो होता है गैस सिंटिलेटर का. तो इस प्रकार के जो सिंटिलेटर होते हैं उनके अंदर हम विशेष प्रकार की कुछ गैस है जिनको अपन फिल करते हैं. ठीक है, अब लास्ट में हम लोगों को बात करनी की भाई कौन से पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए किस प्रकार के सिंटिलेटर का हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, तो मैं फटाफट आपको बोर्ड पर यहाँ पर बताता हूँ. So guys, here I have those some kind of scintillators. Just like we talk about zinc sulfide. अगर हमारे पास कोई scintillator ऐसा है जिसके अंदर जो scintillator material है वो हमने zinc sulfide को ले रखा है तो इस प्रकार के जो आपके scintillators होते हैं उनका हम लोग use करते हैं जो alpha particles होते हैं आपके उनको detect करने के लिए. फिर मैं अगर आपसे बात करूँ sodium iodide की तो इस type के scintillator होते हैं. देखो ये तो आपको पता चल गया कि ये सारे inorganic scintillator है. ठीक है, इनऑर्गेनिक सिंटिलेटर्स की अपन बात कर रहे हैं. जो आपका सोडियम आयोडाइड होता है वो गामा रेडिएशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर उससे जो हमारा सिंटिलेशन की प्रोसेस है वो करने के लिए काम में किसको लेते हैं, गामा रेडिएशन के लिए सोडियम आयोडाइड वाले सिंटिलेटर को. फिर मैं बात करूँ जो सीजियम आयोडाइड है अपना CSI, इस प्रकार के जो सिंटिलेटर उनका हम लोग यूज़ करते हैं जनरली जो प्रोटोन होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए. तो जो कल हमारी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग सिंटिलेटर डिटेक्टर की बात करेंगे बेसिकली, तो सिंटिलेटर डिटेक्टर के अंदर भी हम इनमें से कुछ टाइप को देखेंगे और कौन कौन से पार्टिकल को हम लोग किस किस प्रकार के सिंटिलेटर डिटेक्टर के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं उसके भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे. आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. इफ दिस इज सो देन यू कैन शो योर लव ऑन बोथ आवर चैनल्स. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग योर फिजिक्स. धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम.